नमस्कार दोस्तों, टारगेट पे ख्यालों ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं रवि तिवारी। वर्तमान समय में आपके प्रदेश में पात्रता परीक्षा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसको आप टेट कहते हैं, एक प्रमुख कंपटीशन बनी हुई है और आप लोगों की पहली पसंद बनी हुई है, क्योंकि इसमें संभावनाएं सबसे ज्यादा है। इसी क्रम में मैं लगभग लगभग डेली आपसे रूबरू हो रहा हूं। कल भी मैं अपने संस्थान की गतिविधियों को लेकर आपसे रूबरू हुआ था और आज भी मैं रूबरू हुआ हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं, जैसे मैंने सोचा कि कुछ प्रमुख किताबों पर और ऐसी एक रणनीति पर बात की जाए कि जिससे 125 120 अंक आपके सुनिश्चित हो सके। तो आज मैं कुछ प्रमुख किताबें जिनको आप पढ़ के 120 के आसपास पहुंच सकते हैं, जो किताबें बहुत अंकदायी रही हैं पिछले कुछ समय में और रिकमेंडेड हैं, उन किताबों के बारे में चर्चा करूंगा और एक ऐसी सटीक रणनीति के बारे में चर्चा करूंगा जिससे आप 120 के आसपास अंक अर्जित कर सकते हैं। विषय बार बिंदुओं पर मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। एक और बात, हमसे जुड़ने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान हो गई है। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, मैं सबसे बाद में इस विषय पर आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज मैं आपको बस एक मिनट में बता दूं, उसके बाद मैं अपने विषय पर आ जाऊंगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने जो है एडमिशन सुनिश्चित कराया है, उनको 24 तारीख की शाम तक संस्था की तरफ से आईडी और पासवर्ड मुहैया करा दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, और आप सभी लोगों के पास मैसेज भी लगातार पहुंच रहे हैं कि इस बार हमारी क्लासेज जो है वो आईडी और पासवर्ड से संचालित होंगी। तो हमसे जुड़ने की आपकी जो प्रक्रिया है वो सुरक्षित भी हो गई है और बहुत आसान भी हो गई है। क्लियर? इसका मतलब है सुरक्षित इसलिए हो गई है क्योंकि जो लोग एडमिशन ले रहे हैं केवल वही लोग आने वाले समयों में जो है चीजों को देख पाएंगे, और सुरक्षित इसलिए हो गई है क्योंकि कई बार आप देखें आपका वीडियो, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, है ना। तो ये प्रक्रिया सुरक्षित भी हो गई है और आसान भी हो गई है। आइए हम अपने विषय बिंदु पर आते हैं। अगर हम देखें तो प्राइमरी और जूनियर दो अलग अलग विभाग हैं आपकी परीक्षाओं के, तो क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए और शानदार किताबें हमारे पास, ऐसी कौन सी किताबों का कलेक्शन होना चाहिए नोट्स के अलावा, जिनसे हम जो है टेट की परीक्षा में, देखिए पास होना एक बड़ी बात नहीं है कि आप 100 अंक अर्जित करके पास हो गए। जब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें आज जैसे आपने स्पष्ट कर दिया कि टेट आया है तो सुपर टेट भी आएगा। आज की न्यूज में चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि टेट और सुपर टेट प्रत्येक वर्ष होंगे। इतनी शिक्षकों की कमी है कि इनका होना निश्चित है। आज ये जो है न्यूज आपके पास आ भी चुकी है, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी निश्चित कर दिया गया है कि टेट की परीक्षा के गुणांक को निश्चित रूप से सुपर टेट में जोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके चयन की जो पहली चाबी है वो टेट की परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है, और अगर हमने 100 नंबर अर्जित कर लिए, हम पास हो गए, तो वो भी हमारे किसी काम के नहीं है। हमें कम से कम 115 नंबर तक पहुंचना है। कुछ ऐसी प्रमाणिक किताबें हैं और कुछ ऐसी रणनीति है। पिछली बार भी जिन लोगों ने फॉलो किया है वो 110 से 115 अर्जित किए हैं, इस बार भी आप कर सकते हैं। मैं बहुत देर ना करते हुए आपसे सीधे उस पर बात करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन प्रमुख किताबों पर जो आपको उस दहलीज तक पहुंचा सकती है, आइए, और फिर बताऊंगा कि हम लोगों की भूमिका उसमें क्या है। जैसे अगर हम यहां पर आए, मैंने आपका समय ज्यादा खराब हो इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है सब। यहां पर अगर हम इस विषय वस्तु को देखें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मार्केट में कोई भी ऐसी एक कंप्लीट किताब नहीं है जिसका नाम मैं आपको बता दूं जिसमें हिंदी का व्याकरण और शिक्षण दोनों ही हो। मतलब किसी किताब में व्याकरण है तो शिक्षण नहीं हो, किसी किताब में शिक्षण है तो व्याकरण नहीं है, या चीजें इतनी ज्यादा हैं कि हम उनमें से छांट नहीं पाते कि चीजें क्या है। फिर भी अगर एक किताब का नाम हमें रिकमेंड करना हो तो मैं आपको हरदेव बाहरी की किताब, डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की किताब का नाम रिकमेंड करूंगा। लेकिन इस किताब में भी हम देखेंगे तो शिक्षण हमें उस किताब में नहीं मिलेगा। मार्केट में अगर हम कोई भी पब्लिकेशन की किताब लेते हैं जो सस्ते पब्लिकेशन है, तो उसमें त्रुटियां ज्यादा हैं। अगर आपके 20 प्रश्न सही होते हैं तो 2-4 प्रश्न गलत होने का भी डर होता है, और यहां पर जो कंपटीशन है वो एक एक प्रश्न पर टिका हुआ है, इसलिए आप जो है रिस्क नहीं ले सकते। फिर भी अगर एक मानक किताब जो गलतियों से रहित है अगर इसकी बात की जाए, तो डॉक्टर हरदेव बाहरी जो सम्मानीय है और उनकी किताब इस कसौटी पर खड़ी उतरती है, और आप इस किताब को हिंदी के लिए रख सकते हैं। लेकिन मैटर थोड़ा सा है, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करेगा कि आपको इस पर कितना छांटना है। अगर हम पर्यावरण अध्ययन जो ईबीएस की जिसको बात करते हैं, जो प्राइमरी और जूनियर दोनों में ही है, तो यहां पर वाणी पब्लिकेशन की एक किताब आती है, तो वाणी पब्लिकेशन की किताब आप पर्यावरण के लिए ले सकते हैं। प्लस
यूथ का जो ईबीएस का प्रैक्टिस सेट आया है जिसमें 15 पेवर आपके यूबीएस के दिए गए हैं वो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो अगर इन दोनों का मिलान करके हम पढ़ते हैं वाणी और यूथ की ईबीएस का, तो हमें पर निश्चित रूप से हमारी पर्यावरण अध्ययन की जो हमारी समस्याएं हैं उनको हम हल कर सकते हैं। मेरा एक और सुझाव आप सभी परीक्षार्थियों के लिए है कि यदि हम लोग इग्नू के नोट्स अगर आपको कहीं मिल जाए, हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जो पर्यावरण के नोट्स होते हैं उन पर्यावरण के नोट्स हैं बहुत अच्छे, भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, अगर वो नोट्स आपको मिल जाए तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से अपने पर्यावरण अध्ययन के पेपर को हल कर सकते हैं। अगर हम एससीईआरटी की देखें तो एससीईआरटी में कक्षा 6, 7, 8 की जो किताबें हैं हमारा परिवेश, वो भी आपके लिए इसमें बहुत मददगार साबित हो सकती है। कक्षा 6, 7 और 8 की किताब जिसका नाम क्या है बताइए, हमारा परिवेश। अगर हम मनोविज्ञान एवं बाल विकास की बात करें तो यहां पर 2 किताबों में आपको रिकमेंड करूंगा जो परीक्षार्थियों की पहली पसंद बनी हुई है काफी पुराने समय से। एक तो मालती सारस्वत जी की किताब बाल विकास के लिए बहुत अच्छी किताब है, और बाल विकास और मनोविज्ञान के लिए दीपक शर्मा जी की भी किताब एक बहुत अच्छी किताब है जिससे लगभग लगभग सभी प्रश्न आपको पिछले वर्ष की परीक्षाओं में मिले हैं। हाँ, किताब में मैटर थोड़ा सा ज्यादा है, किताब का साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हाँ किताबें प्रमाणिक है, अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इसके अलावा मार्केट से कोई भी किताब आप और ऐसी वैसी ना लें, उसमें त्रुटियां बहुत हैं। एकदम ईमानदारी से एकदम सही बात आपसे कर रहा हूं। अगर हम संस्कृत और अंग्रेजी जो द्वितीय भाषा के रूप में है इस किताब की बात करें तो आप देखते हैं कि इंटरमीडिएट में संस्कृत के लिए और अंग्रेजी के लिए जो व्याकरण की किताबें यूपी बोर्ड में चलती थी, है ना, आप उन्हीं किताबों का सहारा लें, उनसे अच्छी कोई भी किताब ऐसी मार्केट में नहीं है जो आपको फायदा दे सके। तो द्वितीय भाषा के रूप में जो संस्कृत और अंग्रेजी है इसके लिए आप इंटरमीडिएट की उन किताबों पर डिपेंडेंसी रखें जो यूपी बोर्ड में संचालित होती है, जिनसे आपने यूपी बोर्ड में पढ़ाई की है, भले वो किसी भी पब्लिकेशन की टेक्स्ट हो, वो आपको खूब मदद यहां पर साबित हो सकती है। और आगे अगर हम बढ़े तो फिर बात होती है गणित। गणित के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे मैटर हैं, डॉक्टर आर एस अग्रवाल से लेकर हम कोई भी किताब गणित के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत मैटर है। मैं आपको कहूंगा कि आप 6, 7, 8 की एससीईआरटी की गणित की किताब ले लें और प्रीवियस ईयर्स के पेपर को अच्छे से हल करें। अगर आप इतने बुद्धिमान हैं कि गणित को हल कर सकते हैं, जैसे सब प्रश्नों का आना निश्चित है, जैसे जातीय मान स्थानीय मान से प्रश्न आते हैं, प्रतिशतता से प्रश्न आते हैं, तो अगर आपकी समझ इतनी अच्छी है तो आप एससीईआरटी की 6, 7 और 8 की किताबें ले लें और इन किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो गणित के लगभग लगभग प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। तो 2 क्रमों में मैंने आपको बताया किताबों के लिए। एक बार फिर से मैं किताबों की लिस्ट को आपके सामने रखता हूं, आप यहां पर देख लीजिए, और मैंने बताया भी कि ये वर्तमान समय में मार्केट में उपलब्ध कुछ प्रमाणिक किताबें हैं। अब हमारी रणनीति क्या होना चाहिए 115 से ज्यादा अंक अर्जित करने की। देखिए, प्रत्येक विषय का अपना एक नेचर होता है ना, और प्रकृति होती है, और उसकी एक सीमा होती है कि हम कितने से ज्यादा अंक अर्जित नहीं कर सकते उस विषय में। अगर हम उस सीमा पर बात करें, उस विषय की उस सीमा पर बात करें, तो देखिए हिंदी में कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 30 है, क्लियर, अंग्रेजी में भी 30 है, बाल विकास में भी 30 है, अंग्रेजी संस्कृत जिसको आप द्वितीय भाषा कहते हैं, पर्यावरण में भी 30 है, और यहां कुल 150 प्रश्न आपके यहां से आते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है 150। अब प्रकृति के हिसाब से देखें तो हिंदी में आप 25 अंक तक अर्जित कर सकते हैं। जो लोग हमारे यहां जिन्होंने अध्ययन किया है उन्होंने 25 अंक तक अर्जित किया है, या आप अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप भी 25 अंक तक अर्जित कर सकते हैं। 115 नंबर का अगर आप टारगेट लेके चले हैं तो यहां पर 25 अंक अर्जित करना अनिवार्य है, इससे कम करेंगे तो आपका नुकसान होगा। केवल 3 ही भागों की प्रकृति ऐसी है जो आपको 25 अंक तक दे सकते हैं, और जिन्होंने लोगों को 25 अंक तक दिया है, कौन कौन से, एक तो पर्यावरण, यहां पर भी 25 अंक मिले हैं पेपर के नेचर के हिसाब से, और गणित में भी लोगों को 25 अंक मिले हैं पेपर के नेचर के हिसाब से। द्वितीय भाषा 20 अंक तक सीमित हो जाती है, यहां पर नंबर को बढ़ाना थोड़ा सा कठिन होता है, और बाल विकास की भी प्रकृति ऐसी है कि ये 20 नंबर तक थोड़ा सा सीमित हो जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रावधानों और कुछ करंट की विषय वस्तुओं से भी जुड़ जाता है बाल विकास, तो यहां पर भी थोड़ा सा आपको 20 से ज्यादा अंक अर्जित करना कठिन होता है। हालांकि यहां पर आप 2 नंबर की वृद्धि कर सकते हैं। तो 3 विषयों में अगर हमारे 25-25 अंक हैं तो हम 115 अंकों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 75 और 40 को मिलाएं तभी 115 होते हैं।
एग्जाम रूम का प्रेशर अलग होता है। जब आप घर पर पेपर लगाते हैं तो आप 120 115 अर्जित करते हैं, लेकिन घर पर हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता, हमारे ऊपर घड़ी का दबाव नहीं होता, हम इजी होते हैं। एग्जाम रूम के प्रेशर में 2-5 प्रश्न ह्यूमन एरर्स से भी आपके गलत होते हैं। तो अभी से हमें प्रैक्टिस करनी है इन विषयों की कि हम लगभग लगभग 25 अंक यहां पर अर्जित करें, 25 अंक यहां पर अर्जित करें और 25 अंक यहां पर अर्जित करें, क्योंकि 115 से कम अगर हम रह गए तो इसका मतलब हमारे लिए चुनौती हमने स्वयं ही बढ़ा ली, और यहां पर 115 अंक अगर हमारे आ गए तो इसका मतलब हम सरकारी नौकरी के काफी करीब पहुंच गए, और अतिरिक्त दबाव जो सुपरटेट की परीक्षा पर आप पर होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम यही बात जूनियर की करें तो सेम चीज है, हिंदी में हम यहां पर भी 25, यहां पर भी हम लोगों ने 20 रखे हैं, बाल विकास में भी हम लोगों ने यहां पर 20 रखा है। जो बहुत अच्छे परीक्षार्थी हैं अगर यहां पर 2 अंक बढ़ा सकते हैं और यहां पर भी 2 अंक बढ़ा सकते हैं तभी वो 1920 के आसपास पहुंच सकते हैं। मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही प्राप्त करता है, अगर पेपर किसी मानव ने निर्मित किया है, बनाया है, तो उसको कोई मानव ही तोड़ेगा। और 150 में से 120 नहीं 130 अंक पिछले वर्ष अपने टारगेट विथालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले परीक्षार्थियों ने अर्जित किए हैं। मेरे पास मार्कशीट है उनके प्रमाण के रूप में, और मैं मार्कशीटों को आपको दिखा देता हूं। तो मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही प्राप्त करता है, आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। ये मत सोचिएगा कभी भी कि हम ये नहीं कर सकते, लोगों ने किया है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई पेपर बनाया है तो आप उस पेपर को तोड़ के 120 कर सकते हैं, बस सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर हम 125 और 126 का पहले से सोच के रखेंगे तो हम 120 119 अंक लेके आएंगे। तो जो क्लासेस रन कर रहे हैं, जैसे जो लोग स्वयं से पढ़ रहे हैं, हमारे लिए उनकी बहुत शुभकामनाएं। आपको मैंने किताब बताई, आपको मैंने कितने अंक अर्जित करने हैं ये भी बताई, लेकिन अपने यहां जो क्लासेस रन होती हैं उनमें पहले से भी टारगेट यही लेके चला जाता है कि 125 अंक की तैयारी अगर हम करेंगे तो 120 119 अंक तक ला सकते हैं। और इसी का परिणाम यह था, जो पुराने परीक्षार्थी देख रहे होंगे उन्होंने 130 125 और 122 अंक अर्जित किए हैं। यहां पर बाल विकास में आप 20 से 2+2। अब विज्ञान वर्ग यहां पर कला वर्ग है, जो कला वर्ग के लोग हैं वहां पर जीके और जीएस के चारों पांचों विषय आपको अलग अलग तरीके से विविध के रूप में पूछे जाते हैं, लेकिन जो विज्ञान वर्ग के लोग हैं उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 60 प्रश्न, तो इन 60 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों को आराम से जो है अर्जित किया जा सकता है। तो या तो अब उन किताबों में से आप वो मैटर छांट लें कि आप यहां पहुंच सके। अब इसके लिए देखिए दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं इस प्रक्रिया के लिए। पहले बात तो आपके पास एक संभावित प्रश्न उत्तर की श्रृंखला होनी जरूरी है, संभावित प्रश्न उत्तर क्यों जरूरी है, क्योंकि यही संभावित प्रश्न उत्तर आपको, जैसे मान लीजिए हर विषय से 250 से 300 संभावित प्रश्न उत्तर दिए गए तो ये तय कर देते हैं 300 संभावित प्रश्न उत्तर कि उसमें से किस प्रवृत्ति के प्रश्न मिलने वाले हैं और हूबहू कौन से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इस क्षमता का विकास अगर आपके अंदर है तो आप बाजार से लेकर किताबों से पढ़ के सीधे छांट सकते हैं। क्लियर? हम लोग जो नोट्स देते हैं उन नोट्स में अगर हम लोग देखें तो उन नोट्स में पहले से ही हम लोग उन चीजों को छांट के आपको देते हैं जो 100% परीक्षा के नजदीक होते हैं और पूरे से पूरे प्रश्न जो है आपके मिल जाते हैं। कल भी हम लोगों ने कुछ नोट्स उसमें संलग्न किए थे, आपने देखे होंगे और बहुत सारे लोगों ने आपने कमेंट भी किया कि सर नोट्स बहुत अच्छे हैं। आज भी हम लोग अपने पिछले वर्ष के पर्यावरण अध्ययन के, संस्कृत के और सामाजिक अध्ययन के नोट्स को संकलन कर रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट उन सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रमाण के रूप में है, नोट्स की गुणवत्ता देखिए। मैंने कहा था कि हमारे यहां दो प्रकार के नोट्स मिलते हैं, एक क्लास नोट्स जो शिक्षक अपने हाथ से बनाता है वो पूरे नोट्स आपको मिलेंगे उस विषय के, और दूसरे प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। दोनों ही तरह के नोट्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए और प्रमाण के रूप में आप उनकी गुणवत्ता देखिए, आप स्वयं जान जाएंगे। जिन लोगों ने एडमिशन सुनिश्चित करा लिया है मैंने उनके लिए पहले ही बताया है कि 24 तारीख को शाम तक आपको आईडी और पासवर्ड के माध्यम से जोड़ लिया जाएगा, आपकी तरफ संस्था की तरफ से मैसेज लगातार जो है आपकी तरफ पहुंच रहा है। और जिन लोगों ने एडमिशन सुनिश्चित नहीं करा पाए हैं तो अभी भी आपके पास देर नहीं हुई है, 23वें इस तारीख से हम लोग एडमिशन नहीं ले पाएंगे, अभी भी आपके पास 2 दिन हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 8382966779 इस नंबर पर आप एंट्री टेट लिख के व्हाट्सएप कर दें। इस नंबर को आप
पहले अपने मोबाइल में सेव करें और व्हाट्सएप पे हमारे जो है इस नंबर पर एंट्री टेट लिख के भेज दें और आप सीधे हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ जाएंगे। हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क करेगी, आपकी प्रत्येक बात को हम लोग समझेंगे, सोचेंगे और उसमें सहयोग करेंगे, कहीं भी आपको किसी भी लेवल पर दिक्कत नहीं होगी। तो आज की चर्चा में फ्री नोट्स थे आपके, एक किताबों के कुछ नाम थे और एक अच्छी रणनीति थी। और अगर आपने भी एडमिशन नहीं लिया है तो अभी भी आपके लिए देर नहीं हुई है, आप अगले दो दिनों में भी अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया मैंने आपको बताई, केवल एक मैसेज कर देना है आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एंट्री टेट लिख के, आप खुद बखुद हमारे सीधे ऑनलाइन नोट जो है वैसे जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट दिए गए हैं, नोट्स को डाउनलोड करिए, हमारी पूरी प्रक्रिया रूपरेखा दी गई है, कितने तारीख से कितने तारीख तक बैच चलेगा आपका टेट का, कितने तारीख से टेस्ट सीरीज होगी, कितने तारीख से डाउट क्लास होगी और कब हम आपको फ्री करेंगे। देखिए एक लंबा कोर्स है और लंबा कोर्स होने की वजह से आपके ऊपर एक दबाव है, जैसे मान लीजिए 60 से 70 दिन का कोर्स है, इतने विषय हैं टेट में, इतना बृहद कोर्स है टेट का कि हम जो है बहुत जल्दी में नहीं पढ़ सकते। सितंबर के लास्ट में अगर अक्टूबर में परीक्षा हुई तो हमें टेस्ट सीरीज को, डाउट क्लास को और आपके नोट्स को, पीडीएफ्स को अच्छे से क्लासेस के साथ क्लियर करने के लिए 60 से 70 दिन चलिए। हम कोई तूफान बैच नहीं चलाना चाहते कि हम आपका विकास अच्छे से नहीं करना चाहे, तो 70 से 75 दिन का एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बैच रखा गया है शिक्षण से संबंधित। आप आराम से आइए, आराम से पढ़िए, संपूर्ण तैयारी करिए, डाउट क्लास लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए और इसके बाद संभावित प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लीजिए और पूरी तरह से तैयार होकर फिर आप परीक्षा में जाइए और अच्छे अंक अर्जित करिए। हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ है। तो मैंने आपको सब कुछ बताया, मैंने किताबों के नाम बताए और लास्ट में एक बार मैं फिर से इस नंबर पर आपको दोहराऊंगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स को शेयर करें, वीडियो को खूब शेयर करें ताकि जो लोग दूर सुदूर में हैं उन लोगों तक ये वीडियो और हमारी बात पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।